हेलो, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश टू हिंदी बनाना सिखाएंगे। इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश। कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इंग्लिश तक नहीं पढ़ पाते हैं। उन बच्चों के लिए है कि आप पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके बच्चों, नाउ स्टार्ट। पहले बेसिकली समझिए कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं। क्यों बेटा, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? कितने होते हैं? 26। ओके बेटा, 5 वाइबल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 वाइबल्स होते हैं। A E I O U को छोड़ के क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। इसमें 5 क्या हो गए आपके? वाइबल्स हो गए, ठीक है। और वाइबल्स हो गए और जितने भी बचते हैं आपके, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट हो गए। हिंदी में कितने होते हैं बेटा? और इंग्लिश का आप जान गए कितने लेटर होते हैं, ठीक है। हिंदी में कितने होते हैं बताएं? 26 प्लस 26, दोनों को ऐड कर देना है। 6 कितना होता है बेटा? 2। 1 आया वेरी, 2 4, 1 5, 52। हिंदी में कितने हो गए? 52 हो गए। तो अब दोनों को देखो, दोनों को एक समतुल्य करते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में कितना बड़ा डिफरेंट है? क्यों बेटा, है ना डिफरेंट। इसमें जो शब्द हम 52 में बोल देते हैं, ठीक है, जो डेली यूज में वर्ड बोलते हैं वो 52 वर्डों में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं? 26 में बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश के 2 गुना हिंदी। क्यों बेटा, इंग्लिश के 2 गुना हिंदी। दोनों में कितना बड़ा अंतर है ना बेटा अंतर? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आधे लीटर, 26 और 26 का। अब बोलना से मुझे खाना खाना है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है, हिंदी में बोलोगे, तो हिंदी में मुझे हिंदी। अब अंतर क्या है मेन इन दोनों में अंतर क्या? इसमें इंग्लिश में क्या होता है, साइलेंट होते हैं जो लेटर आपके होते हैं, वो साइलेंट होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? मात्राएं होती हैं। आ रहा समझ में? क्या होता है दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में अंतर समझना है। पहले हिंदी और इंग्लिश में आपको अंतर समझना है कि हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। ओके बच्चे, हिंदी में मात्राएं होती हैं। क्या होती है बेटा? मात्राएं होती हैं। और इंग्लिश में मात्राएं क्या है? मात्राएं नहीं होती हैं। क्या होती है बेटा? मात्राएं नहीं होती हैं। आ रहा समझ में? हिंदी में आपके 52 लेटर है। कितने हैं? 52 लेटर हैं। और इंग्लिश में 26 है। इसमें क्या है, लेटर कुछ साइलेंट होते हैं, वर्ड बनाने में आपके साइलेंट हो जाए। और हिंदी में मात्राएं होती हैं, मात्राओं के जरिए हम अपना वर्ड कंप्लीट करते हैं, अपना वर्ड बोलते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की बातें बात करते हैं, ठीक है। भाषा कहते हैं ना बच्चे, भाषा के ही माध्यम से एक दूसरे से संपर्क रखते हैं ना, एक दूसरे से बतियाते हैं, भाषा के ही माध्यम। अपनी हिंदी लैंग्वेज मातृभाषा है। क्या है बेटा? हिंदी लैंग्वेज मातृभाषा है। इसमें 52 हैं लेटर्स। कितने हैं बेटा? 52 हैं। इंग्लिश है विदेशी भाषा, इसमें कितने हैं? 26, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया। ओके बच्चे, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ओके बेटा, इसको हमको लिखना है तो लिखेंगे कैसे? अब पहले स्टार्टिंग हम करेंगे बिल्कुल छोटे वर्डों से, क्योंकि सबसे पहले आप जानते हो क्या करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है बच्चे। जैसे आपकी मात्रा होती है बड़ा आ की मात्रा, ठीक है, आप सारी मात्राएं पहले लिख डालिए। क्या है? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, रेड, ए, आए, ओ, आओ। बेटा समझिए, ये आपके विसर्ग हैं। अन क्या है? विसर्ग है। आ क्या है? विसर्ग है। मात्राएं औ तक ही होती हैं बच्चे, आ हो गया, ठीक है। तो आप क्या,
अब इसकी मात्राएं कैसे लगती हैं? छोटी की ऐसे, बड़ी की ऐसे, छोटाऊ की ऐसे, बड़ाऊ की, ऋण की, ए की, ए की, ओ की, औ की, अन, आह, विसर्ग। ओके बच्चे, इतनी आप मात्राएं समझ गए। आपको डेली प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, बस आप इंग्लिश पढ़ लिख लोगे, बहुत आसानी से आप पढ़ लिख लोगे। ओके बच्चे, जैसे बड़ा के शब्द कोई भी एक छोटा सा कोई भी सेंटेंस ले लो बड़ा की मात्रा का, जैसे आपका काम हो गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा, काम। अब काम की इंग्लिश कैसे बनानी है, ठीक है, का करके आप बारह खड़ी तुलना नहीं करनी है, बारह खड़ी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दी है, तो आप उसको जाके पढ़ लो, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट्स कर दो। ओके बेटा, बारह खड़ी पढ़ के उसको लर्न कर लो, उसके बाद ये हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आसानी से आप सीख जाओगे। ओके बेटा, अब ये मात्रा है आपकी, काम हो गया, ठीक है, और बड़े सेंटेंस भी ले लेना है, पहले शुरुआत यहीं से करना, जैसे काम हो गया, ठीक है, का का क्या होता है, बारह खड़ी में मैंने पढ़ाया है, का क्या, का, आ का क्या होता है, ए, माँ का क्या होता है, एम, है ना जी, इंग्लिश बनाना सीख रहे हो ना बच्चे, आज की मात्रा के सब स्टार्टिंग आपको बिल्कुल जीरो लेवल से करनी है, कोई ऐसे और सेंटेंस ले लो, जैसे इस तरफ ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया कमला, क्या हो गया कमला, तो कमला कैसे लिखोगे, का का क्या होगा, के, ओके बेटा, माँ का एम, ला का एल, आ का क्या होता है, ए, ओके बेटा, ये समझ में आ रहा है, कम ला, तो अब इसमें साइलेंट है इसीलिए बता दिए। अब आप देखो, मैंने अभी बताया है कि हिंदी में आपकी कितनी मात्राएं होती है, इंग्लिश में दोनों में डिफरेंट क्या है, इसीलिए पहले उस बता दी, इंग्लिश में क्या मैंने बताया था, हिंदी में मात्राएं होती हैं और इंग्लिश में आपके लेटर जो होते हैं छुपे रहते हैं, वो आपको निकालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्या जैसे छुपे हमारे शरीर में बाहरी अंग होते हैं, अंदर के अंग होते हैं, ठीक है, अंदरूनी अंग छुपे रहते हैं, उसी प्रकार लेटर भी इंग्लिश में छुपे रहते हैं। अब इसमें क्या छुपा है बेटा, ए, ए आपका क्या है, साइलेंट था, आ गए समझ में, इंग्लिश पढ़ना कितना इजी है, आप बड़े से बड़े सेंटेंस बना सकते हो, इंग्लिश का हिंदी में कर सकते हो इसी प्रकार, और हिंदी का सबसे बड़ा योगदान आप बारह खड़ी लर्न कर डालो, इंग्लिश आपके लिए हलवा हो जाएगी। छोटी ई की मात्रा, ठीक है बेटा, छोटी ई की मात्रा हो गया आपका दिन, जैसे छोटी ई की मात्रा का क्या हो गया, दिन, आपको डेली यही प्रैक्टिस करनी है बच्चे, दी, द का क्या होगा, डी, छोटी ई का बेटा आई, ना का एम, है ना इजी, वेरी इजी, बड़ी ई का, बड़ी की मात्रा का क्या हो गया, जैसे कीला, हो गया ना कीला, एक सब ले लिया, कीला, के, का क्या होता है, के, बड़ी का डबल ई, ला का एल, आ का ए, कीला हो गया इजी, छोटा ऊ का कुल, क्या ले लिया, कुल, का के, छोटा ऊ का यू, ला का एल, बड़ा ऊ का दू ना, दा का डी, ऊ का डबल ओ, एन का एन, आ का ए, है ना बेटा इजी, जैसे आपने ले लिया क्रिस, रेड की मात्रा का लेना है बेटा, क्रिस हो गया, ओके, का क्या ले लोगे, के, रेड का क्या होता है, आर आई, क्रिस, एस एच, क्या होता है इसका का, एस एच ही तो होगा, है ना, ए का क्या होता है बेटा, बारह खड़ी में ए का एक शब्द ले लो, जैसे रेखा, क्या ले लिया, रे, हाँ, वेरी गुड, रेखा ले लिया, तो रा का क्या हो जाएगा, आर, ए का क्या हो जाएगा, ई, ए का ई है तो होता है, पढ़ाया है बेटा मैंने, खा कर के, एच, आ कर ए, आ रहा समझ में बच्चे, बहुत वेरी इजी सब्जेक्ट इंग्लिश, अपनी हिंदी से भी इजी इंग्लिश।
सीरीज है बच्चे, बस इसको समझना है एक बार। क्या है बेटे? बहुत समझना है। आय की मात्रा को आप समझना है। जैसे आपका हो गया रैन, क्या हो गया बेटा? रैन। र का आर, आय का ए आई, न का एन, हो गया ना रैन इजी। ओ का जैसे कोई एक शब्द ले लेते हैं, रो मन, ठीक है। ऐसा क्या करेंगे, आर का आर, ओ का ओ, माँ का एम एन, ठीक है। तो अब क्या लेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर कुछ साइलेंट है, आपका कुछ छुपा लग रहा है, रो मन है ना, ये छुपा था। ऐसे ही आपको बना ए आई ही लगभग में छुपा रहता है बेटा। आओ इसे आओ का क्या होगा, जैसे कोई भी एक शब्द ले लो ओ की मात्रा का, कोयल कोयल, कोई भी ले लो बेटा, रौनक, क्या हो गया रौनक, क्या रौनक, ठीक है। ओ की मात्रा है रौनक, आर, ठीक है। ओ का क्या होता है बेटा, क्या होता है ए यू, ना का क्या होता है एन, का क्या होता है के, क्या इसमें छुपा है बेटा साइलेंट आपका क्या है? बेसिकली आप जानते हो क्या है, ए, हो गया ना। अब अन, अन जैसे अंक रंक, जैसे आपका एक वर्ड ले लिया रंक, तो र का क्या हो जाएगा आर, अन का क्या होता है बेटा ए एन, क्या हो गया ए एन के, रंक हो गया। ओके बच्चे, आह का जैसे आपका हो गया नमः, क्या हो गया नमः, तो न का एम, ठीक है। माँ का एम, क्या हो गया एम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइलेंट है ना बच्चे, ए साइलेंट है माँ। आह का क्या होता है ए एच, क्या हो जाएगा ए एच नमः, है ना इजी। आप ऐसे बड़ी से बड़ी सेंटेंस पहले स्टार्टिंग यहीं से करनी है, फिर आप एक इंग्लिश की बुक्स, हिंदी की सॉरी, एक हिंदी की बुक्स ले लो, हिंदी की बुक्स खोलो, उसको एक लाइन लिख लो, फिर उसकी इसी तरह इंग्लिश बनाओ, ठीक है। फिर एक इंग्लिश की बुक ले लो और उसकी हिंदी ऐसे बनाओ, बारह खड़ी यूज करके। कुछ सेंटेंस आपको हम रूल्स बता देंगे, जैसे सी का कहाँ पढ़ा जाता है, गा कहाँ पढ़ा जाता है, ये भी रूल्स हम धीरे धीरे आपको पढ़ा देंगे बच्चे, ठीक है। आप बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो, मुझे इंग्लिश नहीं आती हो, सामने वाला मुझसे इंग्लिश में बात करता, तो अपने आप जो ये कमज़ोरी है, मेरा मिशन सिर्फ यही है कि आप बेसिक लेवल, एक पुअर से पुअर बच्चा, एक रिच से रिच बच्चा, सभी को इंग्लिश आने लगे। अपने आप को इंग्लिश में कोई भी बच्चा कमज़ोर ना समझे, वीक ना समझे, अपने अंदर हीनता ना लेके आए। बेसिक तौर पर हम पूरी इंग्लिश आपको सिखाएंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।